गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा देश एक कविता है जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हम इस कविता का भाग एक कर चुके हैं, जिसमें हमने कविता के दो पैराग्राफ पढ़े थे और उनका अर्थ भी समझा था। अपने इन दो पैराग्राफ में सोहनलाल जी भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमें भारत की अनेक विशेषताओं से परिचित कराते हैं। अब हम भाग दो में देखेंगे कि कवि ने आगे अपने मन के भावों को और किस तरह से व्यक्त किया है, उन्होंने हमें और क्या क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भाग दो। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर एक बार बता देती हूँ जो मैंने आपको कल दिए थे। आपका हमारा पहला प्रश्न था, कौन से पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मल्लय पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसको सही किया होगा। प्रश्न नंबर दो, देश की दो प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और यमुना। प्रश्न नंबर तीन, कविता में देश को किन किन विशेषणों से पुकारा गया है? मैंने आपको कल भी बताया था कि विशेषण शब्द का अर्थ यहाँ से है कि जो हमारे देश को कवि ने और किस किस नाम से पुकारा है। आंसर देखते हैं, कविता में देश को निम्न विशेषण से पुकारा गया है, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, बुद्धभूमि, युद्धभूमि। आप सभी इन शब्दों से परिचित हैं। बुद्धभूमि और युद्धभूमि का अर्थ हम आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। अब हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ को जानते हैं। रघुपति आप सब भगवान श्री राम से, रघुपति का अर्थ है भगवान श्री राम से। आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम को रघुपति कहा जाता था। वंशी का अर्थ होता है बांसुरी। पुनित पवित्र, दिया दीपक, जग संसार। आप अपने इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, आज की डेट डाल के इनको आप आज की डेट के साथ नोट करेंगे। हमारी कविता की पंक्तियाँ, जन्मे थे जहाँ रघुपति, जन्मी थी जहाँ सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कविता की इन पंक्तियों में हमारे कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। कवि ने भारत की धरती पर जन्मे महान लोगों का वर्णन किया है, जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है, फैलाया है। चलिए अब हम अपनी कविता का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जन्मे थे जहाँ रघुपति, जन्मी थी जहाँ सीता। ये भूमि जो हमारी भारत भूमि है, यहाँ पर रघुपति मीन्स भगवान श्री राम, उनका जन्म हुआ था और इसी भूमि पर सीता माता ने भी जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई थी वंशी पुनित गीता। श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। श्री कृष्ण ने भी भारत भूमि पर जन्म लेकर अपनी बांसुरी की धुन सभी को सुनाई थी और अपनी बांसुरी की धुन से उन्होंने प्रेम का संदेश दिया था। पुनित गीता, पुनित का अर्थ होता है पवित्र, और गीता जो हमारी एक पवित्र पुस्तक है उसको कहा गया है। आप सभी को पता होगा महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार सुनाया था, गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया,
गौतम बुद्ध भगवान ने भी भारत देश में ही जन्म लेकर लोगों को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया और लोगों को और भारत देश का सुयश बढ़ाया है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, उन्होंने मनुष्य को दया भाव का ज्ञान भी कराया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत की युद्ध भूमि भी ऐसी है जहाँ पर गीता जैसे उपदेश, जहाँ पर गीता जैसी पवित्र पुस्तक का उपदेश दिया गया है। ये हमारी पोयम थी जिसका हमने सार जाना और उसका अर्थ भी जाना। अब हम बात करते हैं आपके आज के होमवर्क के लिए। आप सभी को पता है आपको होमवर्क कैसे करना है। चलिए होमवर्क देखते हैं। ये आपका आज का होमवर्क पेज है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको अपने होमवर्क में ये करने हैं और ये करने हैं। जिन बच्चों के पास बुक है, बुक अवेलेबल है, वो इसको बुक में ही फिल करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है, नीचे के तीन क्वेश्चन, इनको आपको कॉपी में ही करना है। सभी इनको कॉपी में करेंगे। चलिए मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। कविता में सुयश शब्द का प्रयोग किया गया है। यह यश के आगे सु लगाकर बना है। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा। हम देखते हैं बहुत सारे शब्दों के आगे सु लगा होता है तो उसका अर्थ होता है अच्छा या शुभ। तो ऐसे ही जो ये शब्द होता है, जो ये सु लगा है किसी शब्द के आगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। ऐसे शब्द जो शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस अर्थ, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उपसर्ग कहते हैं। तो आप इनके सामने उपसर्ग लगाएंगे, इन सभी के सामने, और इसको फिल करेंगे बुक के अंदर ही। क्वेश्चन टू है आपका, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसी तरह से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप अपनी बुक में फिल करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही नोट डाउन करना है। क्लियर। नेक्स्ट, नीचे जो तीन क्वेश्चन है ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। देश को मातृभूमि क्यों कहा गया है, इजी है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा वीडियो के भाग वन में, या उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर वर्ड शब्दार्थ में। हमारे देश को स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है, ये भी आपको शब्दार्थ में मिल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है ये दोनों क्वेश्चन, लेकिन आप कोशिश करिएगा इसको लिखने की। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थ्री, हमारे देश में किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ। अभी हमने भाग दो में जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें बहुत सारे महापुरुषों के नाम आए हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। और उनसे अलग भी बहुत सारे महापुरुष हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।